बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मशिक न्यूज़ के साथ मैं हूँ फिजा कवल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आवाम को फौरी सहूलियात मुहैया करने के लिए हुकूमत बलोचिस्तान का एक अहम कदम। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज के कयाम का मकसद बलोचिस्तान की आवाम को उनके घर की दहलीज तक सहूलियात मुहैया करना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान ने पुलिस मोबाइल यूनिट्स का आगाज किया है। आम आदमी के लिए आसानी क्या होगी, वन विंडो फैसिलिटी है कि नॉर्मल थारों में अगर लोग अगर 20 से 30 जाते थे, इन बसेस पे तकरीबन 300 से 400 लोग गए। हमने इसको क्वेटा से स्टार्ट किया है, फिर ये डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इंशाल्लाह जाएगा और फिर इंशाल्लाह फाइनली हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ले जाएंगे। IG बलोचिस्तान पहले ही 2020 को बलोचिस्तान पुलिस में IT के मंसूबाजात का साल करार दे चुके हैं। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने का मकसद है, वो है एक बेहतर सर्विस डिलीवरी। मोबाइल खिदमत मरकज है, इनको आप कह सकते हैं द टिप ऑफ द टेक्नोलॉजी। इट्स अ ह्यूज स्टेप फॉरवर्ड। अल्टीमेट बेनिफिशरीज आर द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज इस मंसूबे के पहले मरहले में आवाम की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए 8 मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात दी जा रही हैं। इन सहूलियात में करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस की तस्दीक, किरायादारी का इंदराज, घरेलू मुलाजमीन का इंदराज, गुमशुदगी की इत्तला, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद और बैन-उल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस शामिल है। इन मोबाइल खिदमत मराकज से पुलिस और आवाम का रिश्ता मजबूत से मजबूतर होगा। इस साल के आखिर तक ये तमाम सहूलियात बलूचिस्तान के दीगर इज़ला में भी मुहैया की जाएंगी। पहले हम लोग भाग दौड़ बहुत करते थे, इसके पास भागो उसके पास, अभी हमारा लाइसेंस घर में पहुँच। हमारे पहले जो है थानों में जाना पड़ता था, लाइसेंस के लिए बहुत ख्वारी करना पड़ता था, अभी हमारे घरों में आके हमारे लाइसेंस हमें मिल जाता है। डिजिटाइजेशन हमेशा डिपार्टमेंट्स को हेल्प करता है। बलूचिस्तान पुलिस पूरे अजम के साथ कंप्यूटराइजेशन के सफर पे रवानदवा है, सर्विस थ्रू कनेक्टिविटी। शुक्रिया बलूचिस्तान हुकूमत। शुक्रिया बलूचिस्तान पुलिस। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि तरक्याती मनसूबों को मुकर्रा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए। बुनियादी मराकज़ सेहत की सर्विसेज को बेहतर बना दें तो बड़े अस्पतालों का बोझ कम हो सकता है। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से बहाली तहरीक BMC के कायदीन की मुलाकात, भूख हड़ताल कैंप खत्म करने का ऐलान। मिडिल कोर्ट ने ट्रैफिक सर्जन कतल केस का तफसीली बयान जारी कर दिया। पुलिस की जानिब से अब्दुल मजीद अजगजे के खिलाफ सबूत रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए। बलूचिस्तान पुलिस ने ट्रैफिक सर्जन कतल केस साबिक रुकन सूबाई असेंबली अब्दुल मजीद अजगजे की बरियत के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला कर लिया। मशहूर जमानत 3 अलायंस फ्रॉड केस में नामजद काशिफ कमर समेत 4 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी, जबकि 1 मुलजिम गिरफ्तार। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।